रतोड़ा गांव में पहाड़ी और मैदान दोनों हैं। इसके साथ ही गांव के पास में एक नदी भी बहती है, जिस वजह से यहां का नज़ारा बेहद खूबसूरत है और इसी वजह से हर दिन यहां पर ग्राहकों का जमा होना लगा रहता है। यहां पर गांव वालों ने अपने लिए खुद ही कारोबार बनाया है। आइए दोस्तों, मेरे एयर बलून में बैठिए और हवा से बातें कीजिए। नकुल इसी गांव का रहने वाला है और उसके पास खुद के कई सारे एयर गुब्बारे हैं। सुबह से गुब्बारे लेकर आ गया हूँ, पर अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया है। लगता है हमारे गांव में ग्राहकों का आना ही कम हो गया है। इस तरह कैसे काम चलेगा, कुछ तो करना होगा। नकुल को भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए वहीं करीब के एक रेस्टोरेंट में जाता है। अरे सूरज भैया, एक थाली खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। क्या खाओगे, दाल चावल या रोटी सब्जी? थाली में जो भी देते हो दे दो। और काम धंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा? अब क्या बताए भैया, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। सारे गुब्बारे तैयार करके रखे हैं, पर कोई मुनाफा नहीं। अरे आ जाएंगे, परेशान मत हो, खाना खा लो, तब तक कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। सूरज नकुल के लिए खाना लगाता है। नकुल खाना खाने लगता है। कुछ वक्त बाद वहाँ कुछ ग्राहक आते हैं और नकुल से मिलते हैं। हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं, हमें एयर बलून में उड़ना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। नकुल अपना खाना बीच में ही छोड़कर जाने लगता है और तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। अरे भाई, खाना बीच में छोड़कर क्यों जा रहे हो, पूरा खा लो फिर चले जाना। सूरज ग्राहकों को भी खाना खाने के लिए कहता है। आप लोग भी भूखे होंगे, खाना खा लीजिए फिर चले जाना। गर्मा गर्म खाना है, बाद में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम चारों के लिए भी एक एक थाली लगा दीजिए। सूरज उन चारों के लिए भी खाना लगाता है। अब नकुल ने खाना खा लिया है और अब वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। ग्राहक धीरे धीरे खाना खाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त जाया होने लगता है। हम तैयार है, आप लोग प्लीज जरा जल्दी कीजिए, नहीं तो बाद में तेज हवाएं चलने लगेगी और फिर हम लोग उड़ान नहीं भर सकते हैं। अरे भाई, खाना खाने दो इन लोगों को, बेचारे भूखे हैं बहुत। मजाक मस्ती तो होती ही रहेगी, कुछ और लेकर आओ भाई लोग आपके लिए। हाँ, कुछ रोटियाँ, थोड़ी सी दाल ले आइए। सूरज रोटियाँ और दाल लेकर आता है। खाना खाने के बाद चारों ग्राहक गुब्बारे में उड़ने के लिए मना कर देते हैं। पेट भर के खाना खा लिया, अब तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। आज के लिए जाने दीजिए, फिर कभी देखते हैं। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, अगर नहीं आना था तो पहले बता देते। मैं इंतजार ही नहीं करता और अपने गुब्बारों के पास चला जाता, क्या पता वहाँ कोई और मिल जाता। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आज कोई नहीं आया तो कल आ जाएगा। ये लोग आ रहे थे तो आपने ही खाना खाने के लिए जबरदस्ती बैठा दिया। आपका तो अच्छा चल रहा है, मेरा ही नुकसान हुआ ना आपके चक्कर में। नकुल नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आज उसके पास एक रुपए का भी मुनाफा नहीं होता, इसलिए वो मुंह लटकाकर अपने गुब्बारे एक जगह पर बांध देता है और घर चला जाता है। कल से मैं जल्दी ही चला जाऊंगा और अपने ग्राहकों को कहीं और जाने नहीं दूंगा। अगले दिन नकुल जल्दी ही चला जाता है। आज बहुत से लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं और सभी लोग एयर गुब्बारे में उड़ना चाहते हैं, पर उनको खाना भी खाना है, लेकिन नकुल खाना खाने के लिए मना करता है। अभी मौसम बहुत सुहाना है, खाना तो हम लोग बाद में खा ही सकते हैं, और अगर हवा तेज चलने लगी तो बाद में मुसीबत हो जाएगी। नकुल की बात से सभी ग्राहक सहमत थे, इसीलिए सभी लोग उसके साथ एयर गुब्बारे में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। नकुल सभी का टिकट काटता है और उनको एयर गुब्बारे में बैठाकर वो हवा गर्म करके एयर गुब्बारा ऊपर हवा में उठाने लगता है। सभी बहुत मजे कर रहे हैं। ओहो वाओ, ऊपर हवा में उड़ने का मजा ही कुछ और है। यस, अगर पहले पता होता कि ये सब इतना मजेदार है तो मैं कब का एयर गुब्बारे का सफर कर चुकी होती, पर अब से मैं हर महीने यहाँ कई बार आया करूँगी। शिवानी और रजनी हवाई सफर को पहली बार एंजॉय कर रहे थे। एयर गुब्बारा यहाँ से उड़ता है और पूरे एक घंटे के सफर के बाद वो बहुत दूर जाकर नीचे उतरता है। आज तो मजा ही आ गया, पर यार खाना तो हम लोगों ने खाया ही नहीं। अरे छोड़, रहने दे, बाद में देखते हैं खाने का। वैसे भी रेस्टोरेंट तो यहाँ से बहुत पीछे छूट गया है।
सारे ग्राहक एयर गुब्बारे से उतरने के बाद यहाँ से चले जाते हैं और कोई भी सूरज के रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए नहीं जाता है। पर आज नकुल का अच्छा मुनाफा हुआ, इसलिए वो खुश होकर खाना खाने के लिए सूरज के रेस्टोरेंट में जाता है। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा और आराम से सो जाऊंगा। नकुल देखता है कि सूरज रेस्टोरेंट पर किसी ग्राहक के इंतजार में अकेला बैठा हुआ है। मेरे लिए एक प्लेट अच्छा वाला खाना लगा दो। एक प्लेट क्यों, सारा ही खा लो। वैसे भी तुम्हारे वजह से आज का सारा खाना जैसा का तैसा है, कोई भी ग्राहक नहीं आया। अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। पास आए ग्राहकों को दूर ले जाते हो और फिर कहते हो मेरी क्या गलती है। अच्छा, भूल गए, कल तुमने मेरे ही ग्राहकों को इतना खाना खिलाया कि उसके बाद आलस की वजह से उन्होंने एयर बलून में घूमने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मना किया तो मैं क्या करूं? ग्राहक एयर बलून में उड़ने के बाद खाने के लिए नहीं आए तो मैं भी क्या करूं? बात बढ़ जाती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर एक वही ग्राहक आती है जो अभी नकुल के एयर गुब्बारे में थी। आप दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? मेरे पास दोनों के मसलों का हल है। हम दोनों की समस्या का कोई हल नहीं है। या तो ग्राहक किसी के पास जा सकते हैं या तो मेरे पास खाने के लिए आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों एक हो जाएं, तो दोनों का काम पहले से बहुत बेहतर चल सकता है। आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। अगर आपके एयर बलून में ये भाई साहब अपना रेस्टोरेंट खोल दे तो जो भी ग्राहक यहाँ घूमने आएंगे वो एयर गुब्बारे से हवाई सफर का मजा खाना खाते हुए ले सकते हैं। यह तो बहुत ही अच्छी सोच है, इससे तो दोनों का नुकसान नहीं होगा। आपने तो जज की तरह हमारा झगड़ा 2 मिनट में सुलझा दिया, बल्कि हर दिन दोनों के पास बराबर ग्राहक आएंगे। अगर आप लोग चाहें तो मुझे भी अपने साथ रख सकते हैं, मैं भी काम की ही तलाश कर रही हूँ। जरूर, वैसे भी ये आइडिया तो आपका ही है, तो आप भी हमारे इस बिजनेस में बराबर की हिस्सेदार हो गई ना। हाँ, अगर ग्राहक ज्यादा हो जाएंगे तो हम दोनों को कोई ना कोई संभालने वाला तो चाहिए ही। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप दोनों के काम को बढ़ा सकूँ और सबका मुनाफा हो। अब शिवानी, नकुल और सूरज तीनों मिलकर सूरज का पूरा रेस्टोरेंट नकुल के एयर गुब्बारे में शिफ्ट करते हैं। चलो, इसी बहाने मैं भी हवाई सफर कर पाऊंगा, नहीं तो आज तक बस सोचता ही रहता था कि कब मुझे फुर्सत मिले और मैं भी एक बार हवा से बातें करूं। और अब से मुझे ठंडा खाना नहीं खाना पड़ेगा, हर दिन गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। वैसे भी भूख बहुत लगी है। मुझे भी भूख लगी है, पर आप दोनों का झगड़ा देखकर कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। अरे पायलट साहब, आप उड़ने की तैयारी कीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाता हूँ। नकुल एयर गुब्बारे में गर्म हवा भरता है और गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ने लगता है। सूरज खाना गर्म करता है और शिवानी 2 प्लेट खाना निकालकर अपने और नकुल के लिए लेकर आती है। आइए पहले खाना खा लेते हैं। नकुल एयर गुब्बारे को हवा में आजाद छोड़ देता है और शिवानी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। आज मैं पहली बार इतनी ऊंचाई पर बैठकर खाना खा रहा हूँ। और मैं भी, आज तक सिर्फ ख्वाब में ही एक बार ऐसा किया था और आज वो ख्वाब भी पूरा हो गया। खाना खाने के बाद नकुल एयर गुब्बारे को नीचे उतारता है और सभी लोग ग्राहकों के आने का इंतजार करते हैं। तभी कुछ ग्राहक वहाँ आते हैं। शिवानी सभी ग्राहकों के टिकट काटती है और उनको एयर गुब्बारे रेस्टोरेंट में बैठा देती है। नकुल गुब्बारे को हवा में ऊपर उठा देता है। सूरज खाना बनाता है और सभी ग्राहक खाना खाते हुए हवाई सफर का लुफ्त उठाते हैं।